गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि जो जहाँ भी होंगे एकदम स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो कुछ खास है। मैं हमेशा बताती हूँ कुछ खास रहता है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। कुछ यूनिक चीज़ है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए नहीं भी होगा लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए होगा। अमेरिका में चलता फिरता घर रोड ट्रिप वगैरह पे जाते हैं ना, तो बहुत रोड ट्रिप पे ही क्यों, एवरीडे देखते हैं, सिर्फ देखते ही हैं। तो आज हम लोगों के यहाँ ना ये लगता है, शो लगता है, क्या बोलते हैं इसको, शो ही बोलते हैं ना, जैसे बोट हुआ, आरवी हुआ, इन सब का शो लगता है। ठीक है, आप जाके मतलब एंट्री फ़ी भी होता है, तो वो दे के हम जाएंगे चलता फिरता घर एंजॉय करने, जिसका नाम है आरवी। ठीक है, मैं इंट्रो गाड़ी में ही कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी शायद रश हो सकता है, भीड़ हो सकती है, तो इंट्रो में इत्मीनान से आप लोगों को समझा देती हूँ जितना मुझे में समझ है, जितना मैं जानती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। मुझे भी देखने का बहुत शौक था कि आरवी अंदर से होता कैसा है। कभी मे बी फ्यूचर में कभी हम रेंट पे लेंगे और रोड ट्रिप आरवी से भी करेंगे। हम जा रहे हैं इसीलिए, हम जा रहे हैं देखने हम कौन सा आरवी रेंट पे ले सकते हैं, किसके साथ रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग घर चलाते कार है, आरवी थोड़ा सा, हमारे पास एसयूवी और वैन भी नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, कार की एक्सपीरियंस खूब अच्छी खासी है, मेरे हस्बैंड चला लेंगे, मेरे ऊपर डाउट है। ठीक है, मैं अपना डाउट क्लियर करने जा रही हूँ, क्योंकि रोड ट्रिप पे जाएंगे तो डेफिनेटली हम दोनों क्या, मेरा बेटा भी चलाएगा, तीनों ड्राइवर बनेंगे, राइट। तो तीनों को एक्सपीरियंस लेना है, तो हमें देखना है कि भाई हम चला सकते हैं कि नहीं, और प्लस उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं आरवी में। अब घर है, घर मैंने बताया, राइट, घर पूरा प्रॉपर घर वाला भी आरवी होता है, आधा घर, छोटा सा घर, बड़े वैरायटी के घर होंगे वो। ठीक है, वो आरवी, क्योंकि कोई कोई आरवी इतना बड़ा होता है, जो जितनी फैसिलिटीज़ आपको घर में मिलेगी आपके खुद के घर में, कहीं उससे थोड़ी सी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको उस आरवी में मिल सकती है, या तो उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आधा घर और थोड़ा और भी कम घर, छोटे साइज़ का, सिर्फ बेडरूम भी होता है आधा घर, ये भी होता है कि जैसे कुकिंग वगैरह की फैसिलिटीज शायद अंदर ना हो, जैसा आप लेना चाहो वैसा आप ले सकते हो आरवी। तो सी, मैंने भी पहले कभी देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम देखने जा रहे हैं, और बड़ी उम्मीद लेके जा रहे हैं कि मतलब हम संतुष्ट होंगे देख के। और सोचा जब मैं व्लॉगिंग करती ही हूँ तो क्यों ना आप लोगों को भी दिखाऊं कि ये आरवी होता क्या चीज़ है, जिन लोगों को नहीं पता है, और मैं भी देखूंगी भैया, मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग चीज़ होगा। और एक चीज़ यहाँ पे, और एक चीज़ का शो होता है मिनी हाउस का। अब मिनी हाउस क्या है, एकदम छोटे छोटे घर होते हैं, मैं उस शो में गई हूँ, लेकिन अब नेक्स्ट, तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी जाऊँगी ना मिनी हाउस का, अगर मैं शो लगेगा ना, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अब मैं आप लोगों को वहीं पे मिलती हूँ, इंट्रो यहाँ पे कर लिया है ना, अब मैं आरवी दिखाती हूँ। सी, कुछ भी हो, अगर मैं अच्छा ना लगे, अच्छा लगे, वो सब मेरा भी पहली बार एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। ये देखो, अभी हम जा रहे थे ना आरवी शो देखने, रास्ते में देखो आरवी दिख गया है। अब ऐसे बाहर तो बहुत देखा है हमने, लेकिन अंदर नहीं जाके कभी देखा है ना, तो ये है आरवी। अब यही हम लोग चल रहे हैं देखने। और एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गई, मैं आप लोगों को ना नेक्स्ट, जो मेरा इस वीडियो के बाद, इस ब्लॉग के बाद जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा ना, वो होगा टेस्ला का। ठीक है, हमने, मेरे पास जैसे टेस्ला है ना, ज़रा साउंड कम करो, तो मेरे पास टेस्ला है, दो साल पुराना हो गया है, तो मुझे कितने लोग मतलब कितने लोग क्या, मेरा बेटा ही, मेरे दीदी का बेटा बोला कि मौसी आप क्यों ना टेस्ला दिखाओ कभी ना व्लॉग में, थोड़ा सा यूनिक चीज़ है, क्योंकि अभी इतना कॉमन हुआ नहीं है ना टेस्ला। तो टेस्ला इलेक्ट्रिक कार है, कितने लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि टेस्ला है क्या, ठीक है, क्या मतलब कौन सी गाड़ी, कैसी गाड़ी है, कितने लोगों को तो नहीं पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को पता होगा, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होगा उन लोगों के लिए कितना अच्छा होगा, राइट। टेस्ला तो देखेंगे ही, प्लस क्या क्या फीचर्स हैं ना टेस्ला के,
मेरा एक्सपीरियंस क्या है टेस्ला का, वो सब हम आप लोगों को पूरा दिखाएंगे, ठीक है? पूरा प्रॉपर हम वीडियो बनाएंगे और उसमें आवाज़ कौन देगा? त्रिपाठी जी, क्योंकि मैं थोड़ा इन सब चीज़ों में बहुत वीक हूँ। मैं चलाती तो ज़रूर हूँ, सब कुछ पता ज़रूर है, मैं स्पीच नहीं दे पाऊँगी, आपको समझा नहीं पाऊँगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में इन सब चीज़ों में ना मैं नहीं समझा पाऊँगी, तो इसलिए आवाज़ वहाँ पे मेरे पतिदेव देंगे और एकदम डिटेल में बताएंगे। और जिन लोगों को टेस्ला पता भी होगा ना, तो उनके पास होगा नहीं, ठीक है? तो बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा वो और ज़्यादातर लोग पसंद करेंगे, मुझे आशा है। तो वेट करना मेरे नेक्स्ट व्लॉग का, ठीक है? चलो अभी हम आरवी शो में मिलते हैं आप लोगों से। बीच में रास्ते में आरवी दिख गया तो मैंने सोचा दिखा दूँ कैसे हम लोग देखते हैं हमेशा, तो वही चीज़ हम अंदर से देखेंगे। तो थोड़ा सा बाहर का नज़ारा भी देख लो। हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं इस वक्त और मॉर्निंग का टाइम है, तो थोड़ा सा मॉर्निंग इसलिए हमने देखा है कि वहाँ पे शायद भीड़ कम हो, और भीड़ कम रहेगा तो ही हम अच्छे से शूट कर पाएंगे ना, देख पाएंगे और आप लोगों को दिखा पाएंगे। ये देखो पेट्रोल जा रहा है, गैस टंकी भर के जा रही है ट्रक में, ये टंकी नहीं है टंका है, टंका। अच्छा यहाँ पे दो लेन खुल जा रहा है, ये रहा गेट, हम लोग एंट्री मारने जा रहे हैं। देखते हैं पार्किंग का फी कितना है, $8 है, $8 पार्किंग फी है। जा रहे हैं हम लोग टिकट लेने, टिकट काउंटर है, वहाँ पे बाथरूम है, ये देखो डिब्बे जैसे जो रखे हैं वो भी चलता फिरता बाथरूम में, दिखा रही हूँ। देखो कितने का टिकट कितने का मिलता है, ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये भी चलता फिरता बाथरूम ही है, मैंने दिखाया भी है। और ये देखो ये शो का ये ग्राउंड है, यहाँ पे ना इतना बड़ा ग्राउंड है, ये तीन चार शो एक साथ में चल रहा है। $5 का टिकट है, पर पर्सन $5 है। हम लोग अंदर घुस रहे हैं, ये देखो ये बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक है, यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे। ये पूरा आरवी शो, ये रहा आरवी, ये वैन जैसा है देखो बड़ा सा, ये है मर्सिडीज का, ये है जो छोटे साइज में आता है वैन, ये वो है ड्राइविंग सीट, सी ओ माई गॉड, मैं फर्स्ट टाइम आरवी में चढ़ रही हूँ, सी आगे का तो सेम ही है, दिस इज़ अ कबर्ड आई थिंक, या नो 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 दिस इज़ अ बाथरूम, ओके सिंक है, टॉयलेट है, ओ माई गॉड, वाह ऊपर लाइट लगा हुआ है, ये बाथरूम है, सी ये है वन स्टोव है जिस पे कुकिंग कर सकते हो, ये सारे कैबिन है जिसमें आप कपड़े वगैरह रख सकते हो, खुल नहीं रहा है इसमें, दो आदमी लोग आराम से सो सकते हैं, ऊपर कपड़े वगैरह रख सकते हो, ये बैठने का सीट है, और यहाँ पे ये जो सोफा कम बेड है तो इस पर दो लोग आराम से आ जाएंगे, एकदम बढ़िया विंडो वगैरह है, ऊपर एसी लगा हुआ है, ये है माइक्रोवेव, माय गॉड माइक्रोवेव भी इसी, ये टीवी है छोटा सा, इसी पर टीवी देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे बैठ के दिखा रही हूँ कितना बड़ा ये वहाँ आर्मी है, वेरी गुड। दिस वन इज, इसमें क्लास होता है, इसमें ये क्लास बी है जो एकदम छोटा साइज़ का आता है, ठीक है? जो अभी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं उन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, इसी का सेम जितने भी हैं ये क्लास बी सी है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको भी मैं अंदर से दिखा रही हूँ, वन सेकेंड, ये थोड़ा सा है, सारे फीचर्स जितने भी अंदर के हैं सारे सेम ही हैं जो मैंने पहला वाला दिखाया, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशियस है। यहाँ पे है डाइनिंग, डाइनिंग एरिया है, देखो चार आदमी एकदम बराबर से बैठ के इस पर खा सकते हैं, ये है सिंक, पता नहीं लाइट इतना है दिख रहा है कि नहीं, क्या पता, ट्राई, हाँ दिस होल एरिया, हाँ इज स्लाइड आउट,
Yeah, so when you're traveling, that is about right here. This one slides in and comes all the way here. Oh. Typically, when you're what you want to look for is something that when the slides are in, you can still get to the bathroom, you can still get to the thing. So spacious. Because it's like, and this whole thing converts into a bed. Yeah, that whole thing. So there'll be two people can sleep here, two people can sleep there. ये ओवन है सी, इतना छोटा सा ओवन, गैस नीचे ड्रॉअर है, सामान सब रख सकते हो, सिंक देखा हो, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये फ्रिज है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में इतना बड़ा फ्रिज इनफ होता है, ये आर्मी में, ठीक है, ये हो गया और फ्रिज? ये दोनों साइड से खुलता है, यहाँ से नहीं खुलता। अब तुम कब आए थे इसके पहले? इसके पहले तुम कब आए थे? और ये माइक्रोवेव है, ये भी दोनों साइड से खुलता है, एक साइड से इधर और दूसरे साइड से। पर ओ अच्छा, दोनों साइड से। ये है बेडरूम सी, ये पूरा ऊपर कपड़े वगैरह रखने के लिए है, टीवी है, यहाँ पे दो आदमी आराम से सो सकते हैं। This is the bathroom seat. ये इंटरेस्टिंग है सी, बाथटब, सिंक, टॉयलेट। सिक्स पीपल, सिक्स। There's a bunk bed here. Oh, two here, two there. Two people can sleep here. Yeah. Two people can sleep there. You'll be surprised at how many people actually sleep. I mean, it would be crowded to have six people in here. This is a bunk bed. यहाँ पे दो आदमी यहाँ पे सो सकते हैं। Just grab it, pull down. ये ऊपर अभी बंद है। So two people can sleep here. Oh wow, amazing! And see, they typically have a ladder that will connect into here, so you can get it. You can connect a ladder here. Oh okay, ladder okay. Very nice. Yeah, interesting. This is a class B, right? This is a class B plus. Okay, class C अभी दिखाती हूँ. You have to get away. ये है मर्सिडीज का, ये जो बी प्लस देखा ना, ये है मर्सिडीज का, सामने से ये है राइट। और इसको देखो एक्सटेंड कर सकते हैं, देखो हाँ, जो डाइनिंग रूम दिखाया ना हमने, ये डाइनिंग रूम का है। अगर मैं कहीं यहाँ पार्क कर रहे हो राइट, तो इसको आप बढ़ा सकते हो ड्राइविंग के टाइम पे नहीं। और ये है बेडरूम राइट, दोनों का। और ये सारे वायरिंग वगैरह देख रहे हो, आर्मी का पार्क होता है, वहाँ पे पार्क होता है, सारे कनेक्शन वहाँ पे, लाइट पानी ये सब का लगाना पड़ता है। तो सी ये देखो, दिस वन, ये जो है ना ये क्लास सी है, ठीक है। अब ये चीज़ किसी को पता नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं होता अगर मैं मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ना आए होते, मिले होते यहाँ पे, क्योंकि इनके पास आर्मी है, इसलिए उनको ज़्यादा बारीकी में नॉलेज है, इसलिए बता रहे हैं। चलो क्लास सी देखते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लास सी, ये भी सादा सिंपल ही है एकदम। नहीं, ये देखो डाइनिंग एरिया सेम, गैस यहाँ पे है, ओवन, ये देखो ध्यान से देख सकते, बेड। अगर मैं ससक के सोना है तो तीन आदमी सो सकते हैं यहाँ पे। ये है बाथरूम, बाथरूम तो पूरा दिया है यार, सीरियसली इतना बढ़िया बाथरूम। ये है फ्रिज, फ्रिज इतना बड़ा अपने यहाँ इंडिया में, इतना खुलो यार, कैसे खुलोगे, खुल जाओ ना, लेकिन मैं गिरना आई थिंक। हाँ ये देखो, इतना बड़ा तो अपने यहाँ इंडिया में नॉर्मल घर में रखते हैं सी। ओके लेट्स गो, सिंक, डबल सिंक, ओके थैंक यू। ये क्लास सी था और क्लास सी प्लस मैं दिखा रही हूँ, ये है क्लास सी प्लस, ठीक सी। चलो देखते हैं फटाफट, ये थोड़ा और स्पेशियस है सी, ये आगे का है। अब मैं थोड़ा, क्योंकि इतना बड़ा टीवी लगा है, ये देखो इतना बड़ा टीवी लगा है, ऊपर सोने के लिए दो आदमी सो सकते हैं ऊपर, यहाँ से देखोगे। एंड देन उसके बाद ये है सब ड्राइविंग और पैसेंजर सीट, डाइनिंग एरिया, चार लोग आराम से बैठ सकते हैं, इसमें सो भी सकते हैं, इसलिए इसमें तो कम से कम 6-7 लोग सो सकते हैं। डबल सीट आगे में, डबल सीट, गैस, सब सेम ही है। अब मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा हमें शूट करना चाहिए। ये है बेडरूम, प्रॉपर बेडरूम, कपड़े वगैरह रखो। और जो मैं दिखा पा रही हूँ उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत भीड़ है यहाँ पे। ये है बाथरूम, ओके इसमें ना सिंक एंड टॉयलेट ये है, एंड शावर जो है
वो यहाँ पे एकदम सेपरेट बनाया है, ठीक है। ये है डोर, इसका ऐसे डोर बनेगा, ठीक है, शावर एरिया हो गया। चलो ये सब, ये भी क्लास सी है पर ये बड़ा साइज है, ये काफ़ी ह्यूज है, ये काफ़ी बड़ा साइज है। ऊपर देखो बंक बेड है ऊपर सोने के लिए, राइट। ये देखो और सोफा, तीन लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः लोग खाना खा सकते हैं, इतना बड़ा टीवी है देखो। एंड अभी मन कर रहा है एक उठा ही ले जाए। और डबल सिंक यहाँ पे कॉमन रहता है, डबल सिंक बहुत से इजी रहता है, घर में भी रहता है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव देखो क्या जबरदस्त माइक्रोवेव, गैस है, तीन चूल्हे हैं। This is like apartment. Yeah, this is what's considered a residential refrigerator. Wow. This is a feature that they just started putting in the last 5-6 years. It's residential refrigerator. Now the problem with a residential fridge, you can't run it on gas. Right. You know this what I mean? You need a generator all the time. Okay. All the time. So you can't be doing any boondocking with this car tour. This one is bigger than mine, yeah. It's our. But you know, people say that question is that small, right? Wow, look at it. Toilet. Well, look. Wow. See? Cabinet. Show me. Cabinet. Oh, God. Full house. Walk-in closet for the bedroom. Oh God, this is a bedroom. Some people think that's the greatest, and other people you can't. अच्छा, ये टॉयलेट का दो 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 डोर है, इस साइड से भी जा सकते, बेडरूम से भी एंट्री है और लिविंग रूम से भी एंट्री है, ठीक है। ये है बेडरूम, पूरा फुल बेडरूम। एंड ये है क्लॉजेट, वॉक इन क्लॉजेट, यहाँ पे तो सब कुछ रख सकते हैं और पूरी दुनिया हम बसा सकते हैं। ये हूँ मैं फटाफट कर रही हूँ, चलो निकलते हैं बाहर, सब लोग वेट कर रहे हैं ना क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो चलो चलते हैं। क्लास सी में ए बी नहीं होता है, क्लास सी में ऐसा होता है स्मॉल से लेके स्पेस वाइज रहता है। तो जो मैंने दिखाया ना क्लास सी, वहाँ पे 1, 2, 3 ये स्पेस में बड़े हैं, ये भी क्लास सी ही है, ठीक है। अब मैं दिखा रही हूँ क्लास ए जो एकदम एक्सपेंसिव आता है, तो इसको हम दिखाते हैं मेरे को। ये देखो पहले बाहर से देख लो, इसमें शेड है, जो बरांडा बोलते हैं ना हम लोग, ये बरांडा है। तो अभी हम चल रहे हैं अंदर क्लास ए देखने, ठीक है। ओके वेट कर लेते हैं, चलो अंदर चलते हैं। ये है क्लास ए, फ्लोरिंग देखो पहले, फ्लोरिंग क्या है, ये टाइल है, वुड है, क्या है, डोंट समझ में नहीं आ रहा है। ये है ओह गॉड, ये है आरवी, इसको कहते हैं आरवी। ऊपर दो आदमी सो सकते हैं, बंक बेड है, एंड देन डाइनिंग एरिया। ये डाइनिंग प्लस आप सो सकते हो, ठीक है, ये सब वेस्ट नहीं है जगह। और यहाँ पे डबल सिंक, मार्बल काउंटर टॉप है, कोरियन काउंटर टॉप है, कैबिनेट है। ये फुल जो घर में जितनी फैसिलिटीज आपको मिलेगी ना, वैसे तो सब में है, लेकिन ये थोड़ा सा और स्पेशियस है, ठीक है। ये देखो स्टोव, जैसे हमारे घर में है ना तीन चूल्हे हैं, घर में चार होते हैं, यहाँ पे तीन हैं। ओवन है, कुछ भी बना सकते हो। फ्रिज, दिस लुक एट दिस फ्रिज, ऊपर आइस मेकर है, चैनल हटाओ, टीवी, इतना बड़ा स्क्रीन टीवी का है, ठीक है। फायरप्लेस, इसमें जलता है क्या होता है डोंट नो, जलता ही होगा पता नहीं। ये देखो सारे कैबिनेट, सोफा, ये सब सोने के लिए काम आएगा रात को। खुलो यार, इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे कैबिनेट हैं। ओके अब यहाँ पे दिखा रही हूँ सिंक, और ये देखो कांच वगैरह सब लगे हुए हैं भाई, एग्जॉस्ट फैन ऊपर जो लगा रहता है। ये देखो सारे कंप्लीट बाथरूम है, शावर सेपरेट है, शावर एरिया, एंड देन पूरा फुल स्पेशियस यहाँ पे बेडरूम है। ये देखो बेड पूरा ऊपर, अच्छा स्टोरेज का बिल्कुल भी प्रॉब्लम है, बेडरूम में भी टीवी दिया गया है। ये है अमेरिका का चलता फिरता घर, इतने अच्छे, सोचो हमारे घर में इतना बढ़िया ड्रेसर नहीं है, जितना बढ़िया यहाँ पे ड्रेसर लगा हुआ है।
ये देखो इतना डीप, सामान रखने की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे जंगल वगैरह में पार्क कर दो और व्यू एंजॉय करो। और बड़ा पगड़ है कि नहीं है भाई, ये क्या है पुनः, चलो चलते हैं बाहर। ये देखो फ्लोरिंग देखो कितनी बढ़िया है। So she started her own business again, you know, after this whole time, you know, her and Terry, the CFO. This is going to be a huge one. This is चलो देखते हैं बस, जो देखने की इच्छा थी ना ये बस, ये हमने रोड पे इतने। They are inside? There are people inside. Let them come out. Oh. इसका शेड देखो। बाहर चेयर वगैरह लगा के बैठ सकते हैं। ये अभी हमें देखना है, इसको हमें देखना है। हम आरवी के घर में बैठे हैं। ये क्लास ए ये भी है भाई, सी और ए में साइज बड़े होते हैं, इसमें ए भी प्लस वगैरह नहीं होता है। ये देखो इसमें ऐसा लग रहा है मार्बल फ्लोर किया है। ड्राइविंग एंड देन सी चेयर, तो ठंडा है यार, ऐसा लग रहा है यहीं पर तो मैं सो ही रहा। ये देखो ये है इलेक्ट्रिक कुकिंग टॉप है और फुल साइज फ्रिज है। ओ फुल बाथरूम है, सी फुल बाथरूम है। सी ए टॉयलेट और यहाँ से सॉरी, ये देखो यहाँ से दिखा रहे कितना ह्यूज लग रहा है ना। अच्छा डाइनिंग रूम ये, यहाँ पे डाइनिंग रूम है। यहाँ पे ना जो लोग रिटायर हो जाते हैं ना, वही लोग ज़्यादातर आरवी खरीदते हैं, क्योंकि उन लोग यहाँ घूमते ज़्यादा लोग हैं। ये है बेडरूम, प्रॉपर बेडरूम है। विंडो क्या है, ये विंडो है नहीं, ओ माय गॉड इतना बढ़िया क्लॉ, ये है यार कैबिनेट। ये हीटिंग वगैरह का जो है, यहाँ पे भी आदमी सो सकते हैं। व्हाट इज, हाँ टीवी है। ओके सारे कैबिनेट्स हैं। दिस इज बोरिंग, देखो कितना बढ़िया। अच्छा एक एक आरवी में ना दो दो टीवी लगे हुए हैं, ठीक है। ये है, ये भी बन रहे हैं, यहाँ पे सो कोई भी जगह वेस्ट नहीं, इसमें भी फायर प्लेस है। ये देखो इतना बड़ा टीवी है, सोफा बैठने के लिए वेरी गुड। थोड़ा सा हम बैठ भी जाते हैं। और देखो अब यहाँ पर ना क्लास ए का जो अमेजिंग आरवी होता है, क्लास ए का हमें दिखा रहे हैं आगे क्या क्या होता है, एकदम ध्यान से देखना। वेट ओके एंड साइड में सारे बटन वगैरह। चलो निकलते हैं। एक्सक्यूज मी सॉरी, बाहर भी स्टोरेज का भी बता रही हूँ, बाहर का भी जगह वेस्ट नहीं होता है। साइड साइड में देख रहे हो ना, उसमें स्टोरेज बने हुए हैं ऐसी, वो देखो ये सारे स्टोरेज बने, कहीं पे भी एक बूंद भी क्या बोलते हैं जगह वेस्ट नहीं किया किया रहता है। अच्छा कुछ हार्वी में ना वो ड्राइविंग व्हील होता है, मतलब चला के जाते हैं राइट खुद से। ये जो है इसमें ट्रक के पीछे लगाते हैं, जैसे ट्रॉली नहीं लगाते हैं वैसे, उसमें अटैच करके। क्योंकि भाई मैंने बोला ना बड़ा छोटा जिस साइज का जैसा चाहिए ना। ये देखो अगर तुम्हारे पास ट्रक वगैरह है ना, गाड़ी वगैरह में कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट कर सकते हो। एक आरवी और दिखा रही हूँ, कितना कुच्चू सा आता है, कुच्चू सा सच्ची बता रही हूँ। ये देखो ऐसा भी लोग लेते हैं, आउटडोर किचन। हाँ ये देखो, ये मैं बोल रही थी आउटडोर किचन है। दो स्टोर है यहाँ पे सीन, ये बाहर खड़े होके आपको कुकिंग करना है राइट, जैसे ट्रंक नहीं होता है, ट्रंक में सारे कुकिंग का यहाँ पे है। प्लस इसमें सिर्फ सोने के लिए बेड होते हैं, आपको ना टॉयलेट वगैरह इसमें नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको होटल में या कहीं और जाना, जहाँ भी जाना पड़े वो। तो इसमें खाली सोने के लिए और खाने के लिए। और ये देखो अपने
उसमें किसमें ट्रक वगैरह में गाड़ी में इसको कनेक्ट करके ले जा सकते हो. सी इसमें ड्राइविंग व्हील नहीं होता है, ये ऐसा दिखता है. ठीक, ये सबसे छोटा है आई थिंक. यस, इसमें दो गेट है, एक गेट उधर है उस साइड है और एक गेट उधर है. मैं बैक गेट से घुसती हूँ. चलो मैं बाथरूम से घुसती हूँ पीछे के डोर से चोरों की तरह. चलो ये सिंक हो गया. सिंक इसमें भी आई थिंक कितने कैबिन की है. बेडरूम है, इसमें चार आदमी सो ही सकते हैं. एंड किचन. चलो अब मैं फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ, इसमें ऊपर स्टेयर भी लगा है. जैसे ये ऐसे बेडरूम चार लोग तो यहाँ पे सो सकते हैं आराम से. ये है यार बढ़िया है, पूरा फुल बाथरूम है. ये इसमें तो काफ़ी लोग सो सकते हैं. ये तो क्लास ए से भी ज़्यादा अमेजिंग, मतलब स्पेशियस लग रहा है. मतलब सोने उठने बैठने खाने पीने की व्यवस्था ज़्यादा लग रही है. बाकी क्लास ए तो क्लास ए ही है भाई, उसको तो कोई बीटी नहीं कर सकता है. जो मतलब फील होता है अंदर घुसते ही. ये हो गया टू स्टोरी. There is a two people here. Wow, look at that. 2, 4, 6. Total 6. Yeah. Yeah, 8 tips. Yeah, because 2, 4. Yeah. That's 2 toilets. 2 there. Yeah, 2 bathrooms. 2 toilet, 2 bathroom. My God. Oh my gosh, Matt, you can have your own couch. If you want to use this. Look, there's a fireplace here. And then you can see इस पर ये गैस. तीन तीन चूल्हे हैं, चार चार चूल्हे नहीं दिख रहे हैं. तीन ही ये मैं भी घर में यूज़ करती हूँ, चार की कोई ज़रूरत नहीं है. सिंक देखते हैं, यहाँ पर नल देखो कितना झकास नल लगा हुआ है. सिंक ये मार्बल है भाई, गिरेगा पक्का हो जाएगा पक्का. हाँ रख दो. चलो डन. जो हमने अभी टू स्टोरी देखा ना, जो नीचे का स्पेस किस यूज़ में लाया है मैं दिखा रही हूँ. नीचे का स्पेस ये देखो ऊपर. ये देखो ये स्पेस, इसलिए ऊपर बेडरूम जो बना हुआ है. एंड ये देखो चार्जर वगैरह सब लगा है. इसको भी बाहर इस तरह से निकाल लेते हैं जहाँ पे आगे खड़ा करते हैं. ये भी निकला हुआ है. ये भी देखो, इसमें ड्राइविंग व्हील नहीं है, इसको भी कनेक्ट करके ट्रक में लेके जाना पड़ता है. ओके ये देखो सारे स्टोरेज हैं. नीचे का देखो सपोर्ट सिस्टम पिलर जो लगा हुआ है अंदर. नीचे का भी देख लो, ऊपर का ही दिखाया ना, नीचे का भी देख लो क्या क्या नीचे रहता है. ये वीडियो कितना भी लंबा होगा मैं पूरा डिटेल में शूट कर रही हूँ. देखना होगा तो देखना, नहीं तो स्किप कर देना. आर वी शो का ये हम ये देखो आर वी शो का पूरा. ये क्या है, क्या स्पेशल इसमें है भाई? ग्रीन कारपेट रहे हैं, ग्रीन कारपेट. इसका मैं ये दिखा रही हूँ आपको कितना मोटा. अरे भैया हमें जाने दो यार, हमें जाना है. ये देखो ये थोड़ा सा छोटा है इसका. ये देखो चलो ठीक है. ये प्राइस वगैरह क्या, सॉरी सेल प्राइस. चलो देखो सेल प्राइस. ये देखो ये थोड़ा सा छोटा है, इसका प्राइस है. ये देखो ये प्राइस भी दिख रहा है इसका, अभी तक तो दिखा ही नहीं. चलो इस पर भी चढ़ लेते हैं. फ्लोरिंग कितना झकास है यार. ये देखो पूरा बैठे हैं कुकिंग. किचन मिल जाए हम इंडियन को तो क्या बात है, क्योंकि ज़्यादातर घर पे ही तो कुकर पे खाना खाते हैं. बेडरूम बढ़िया है. अच्छा कुछ लोग ना ये आरवी लेके आरवी में ही रहते हैं. अब उसको तो मैं गाड़ी में बैठ के आपको बताऊंगी, सुनना ज़रूर जो बताऊंगी क्या करते हैं यहाँ के लोग आरवी लेके क्या क्या करते हैं अपन. ठीक है सुनना ज़रूर, वीडियो स्किप मत करना नहीं तो कुछ छूट जाएगा. कितना सुंदर लग रहा है. रेड कारपेट ग्रीन कारपेट रेड कारपेट वॉक होगा. चलो ये देखो स्टोरेज कितना बड़ा. दिस इज स्टोरेज राइट? या स्टोरेज लाइक यू कैन पुट योर बाइसिकल एंड. ओह रियली? मोस्ट पीपल से कैन हिच. हाय गाइस, थैंक यू.
फिर वो एक ये भी है झक्का, अब सब सेम ही है। आई डोंट थिंक कि मुझे शूट करना चाहिए, फिर वो बेडरूम इसमें भी ड्राइविंग व्हील नहीं है, इसको ट्रक में लाद के लेके जाना। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट गैस दिखाई है, देखो गैस स्टोव सब कुछ एवरीथिंग इसमें राइट ओके। पर एसी इसमें ज़्यादा है, अच्छा लग रहा है। बाथरूम टूब चलो उतरते हैं नीचे। अब सब सेम है, अब अंदर नहीं घुस रही हूँ, मैंने देख लिया। अब बाहर से ही हम दिखा रहे हैं और डोर किचन का है ये, तो देखो कितना अच्छा है ना। जंगल में खड़ा करो और बाथरूम का दरवाज़ा खोलो और बैठ के आराम से इंजॉय करो बाथरूम में अपना, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये मिनी हाउस कम्युनिटी है, चलता फिरता हाउस का कम्युनिटी है, सीरियसली। लेट्स सी ये देखो बस वाला जो है ना क्लास ए आउटडोर ना सॉरी टीवी लगाया, जैसे मैच वैच आता रहे यहाँ पे फुटबॉल, यहाँ का फेमस जो जैसे इंडिया में अपने मैच क्रिकेट फेमस है ना वो गेम है, यहाँ का फुटबॉल है। तो हमारे लिए ना सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट ये लग रहा है, जैसे रोड ट्रिप वगैरह पे लेके जाना हुआ ना छोटा सा वैन जैसा, ये परफेक्ट लग रहा है, ये मुझे बहुत सही लग रहा है। चार लोग इसमें आराम से सो सकते हैं और इसके लिए इसके साथ दूसरी गाड़ी भी हमें नहीं अटैच करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ड्राइविंग व्हील है, मतलब वो कर सकते हो। ये मुझे परफेक्ट लग रहा है, ये देखो छोटा सा फर्स्ट टाइम के लिए रिस्क लेना है, दिस इज गुड आई थिंक। ये देखो ये मर्सिडीज का है, मुझे ज़्यादा पसंद ये है, देखो फर्स्ट टाइम में अगर एक्सपीरियंस ले रहा है ये वैन जैसा आता है राइट ये हाँ। ये देखो ये है हमारे रोड ट्रिप के लिए बेस्ट, चार लोग आराम से इस पर सो सकते हैं और ड्राइव करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टीवी वगैरह सब कुछ है। वो अभी हम ले भी नहीं रहे हैं, जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन शो हमें साल में एक बार लगता है, लेकिन इस बार देख ही लिया। आप लोग ड्राइविंग सीट पे देख लेते हैं, ये मर्सिडीज का है, ये काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा चलाने में। ये देखो ड्राइविंग व्हील सब कुछ सेम ही लग रहा है, थोड़ा सा हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना जरूर पड़ेगा लेकिन टफ नहीं होगा। बढ़िया बढ़िया ओके। And like if you wanted to back up to a beach area, a lot of places allow you to camp on the beach, you can back up and open the doors right to the water. हम रेंट करेंगे तो यही करेंगे, हमारा पक्का हो गया, हमने मन बना लिया है। जितने सब कुछ इसमें तामझाम लगे हैं एकदम कॉमन है, कुछ खास नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, GPS आगे है। बताना कैसा रहा, एक दो हफ्ते के लिए रोड ट्रिप पे लेना है तो कैसा रहा। चलो निकलते हैं बाहर, बाहर से भी दिखा देते हैं कि कितना अच्छा साइज है इसका। जो हमें पसंद आया है ना उसका प्राइस भी हम ले लेते हैं, अब रिकॉर्ड कर लेंगे ना तो कभी इधर उधर गुम नहीं होगा ना, वीडियो में मेरे पड़ा रहेगा और आप लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा राइट। और आगे से ऐसा दिख रहा है आगे का पूरा सीन, ले पाएंगे कि नहीं वो ट्राई कर रही हूँ सी, एकदम वैन जैसा लग रहा है ना ब्यूटीफुल। ये देखो सारे वायर वायर लगे हैं, सब कनेक्ट हैं, कनेक्शन सब लगाया गया है। ये देखो ये जो है ना ऐसा ही सेम, ये भी है ब्लैक वाला, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है इसमें एंड इसमें थोड़ा सा कम है लेकिन हमारे फैमिली के लिए बेस्ट है। एक आरवी में और घुसी हूँ, ये तो पूरा हॉल है देखो, अब इसी में बेडरूम निकाल लो, किचन और ये ओ गॉड इसमें तो फोर है, फोर गैस का ये है बर्नर है,
ये तो अमेजिंग लग रहा है, सब अमेजिंग लग रहा है, मैं ये वो क्या बोल रही हूँ, सारे अमेजिंग लग रहे हैं, पर ये एक पूरा हॉल है और इसमें बेडरूम कहाँ है, ऐसे इसमें वाशर फुल साइज़ का रेफ्रिजरेटर देख लो, फुल साइज़ का कुछ है खाने पीने को, ब्लू टेप है, खाना तो खा लो, चलो बेडरूम दिखाते हैं। और इसमें वाशर ड्रायर भी होते हैं, किस कैबिनेट में है वाशर ड्रायर ये हमें पता नहीं है, लेकिन जो थोड़े बड़े साइज़ के हैं ये आरवी, उसमें वाशर, अब देखो बेडरूम में हम जा रहे हैं, ये है फुल साइज बाथरूम एंड देन ये है बेडरूम, ये है, ये है क्लोज़ेट। अब इसी में किसी कैबिनेट में वाशर ड्रायर भी होगा, हमें पता नहीं है, ये देखो, अच्छा ये है उनका वाशर ड्रायर, इसमें कहाँ होगा मुझे नहीं मालूम है कहाँ होगा वाशर ड्रायर, कुछ तो कैबिनेट जो है लॉक है लगता है, क्योंकि इतना खींच रहे हैं खुल ही नहीं रहा है। फुल साइज़ टीवी है, ऐसा होता है आर, बड़े छोटे साइज़ हर साइज़ का मैंने दिखा लिया, आप देखेंगे ना ध्यान से ये वीडियो तो रोड पे चलते हुए देखेंगे तो आप वो रिलेट कर पाओगे कि हाँ अच्छा अंदर ऐसा होता है। ये देखो जो अभी दिखाया है, देखो बेडरूम का जो स्टेयर है ना, देखो वहाँ पे जाता है, घड़ी भी लगी है, ऊपर देख लो सारी लाइट फैन एसी सारे सब कुछ दिए गए हैं। ये आरवी जो है ना, इसको बोलते हैं सुपर सी, ठीक है, सुपर सी है। अब इसका स्टोरेज में दिखा रही हूँ, सारे इसका स्टोरेज दिखा रही हूँ, नीचे सारे स्टोरेज में, ये है सुपर सी। इतना अच्छा है कि बाहर टीवी लगा के रखा है कि ऊपर शेड है, स्टेयर पे चढ़ते हैं, ये देख लेते हैं सुपर सी, ये है ड्राइविंग सीट, मैं बैठ बैठ के देख रही हूँ ड्राइविंग सीट पे कि मैं चला पाती हूँ कि नहीं, बैठ जाते हैं, आगे सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अपना छोटा वाला मर्सिडीज़ वाला ठीक है, आई डोंट नीड दिस मच स्पेस, नो नो, यार तीन तीन चार चार लाख के और भी आ रहे हैं, दो आदमी यहाँ पे, सारे अंदर का ऑलमोस्ट सब सेम ही है। बाथरूम यहाँ पे ये कनेक्शन नहीं है कि दो डोर हो, पीछे दरवाज़ा खोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, वॉशर ड्रायर, इसमें दिखा रही हूँ, वॉशर ड्रायर दिख गया, फाइनली दिख गया। ये देखो यहाँ पे ना बाहर कपड़ा फैलाते नहीं है, यूएस में बाहर कपड़ा फैलाते नहीं है, सूखने के लिए फ़ाइन भरना पड़ता है, ठीक है, लेटर आता है। तो एक है वॉशर, एक है ड्रायर, तो जिस तरह का वॉशर मशीन है तो वैसे ही ड्रायर होता है, ऐसे गर्मा गर्म कपड़ा ड्राई करके निकाल के हमें दे देता है, ऐसे फोल्ड करके रखना रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पे, आपने वॉशर ड्रायर देखा था कि नहीं किसी वे, देखो एक चीज़ और दिखा रही हूँ आरवी में, यहाँ पे देख रहे हो ना, जैसे थ्री कार गैराज होता है ना, ये भी बहुत बढ़िया स्टोरेज है, इतना बड़ा, इसमें कायक वगैरह रख सकते हो, बोट वगैरह आप रख सकते हो, पूरी दुनिया बसा सकते हो यार, ये है एज ए गैराज के रूप में आप लोग, पहले इसमें देखा मैंने आरवी में। ये जो आरवी है ना, इसी में है वो जो मैंने कार गैराज जैसा बताया ना स्टोरेज, ये देखो ये, अभी मैं पहली बार इतने बड़े बड़े स्टोरेज देख रही हूँ अंदर, जैसे कि हाँ घर लेने की क्या ज़रूरत है, अगर मैं आप घूमने के बड़े शौकीन है ना, घर का शौकीन है ना, तो ऐसे ले लो तीन चार लाख का आरवी और पूरे दुनिया में भ्रमण करो, घूमो, और सारे सामान तो आ ही जाएंगे, देखो साइकिल वगैरह सब, बोट वगैरह सब आ ही जाएंगे, अमेजिंग लग रहा है। ये एकदम लास्ट में रखा था, और कितना बड़ा है दिखा रही हूँ, इतना बड़ा है, और लेने वाले लेते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते हैं, लेने वाले लेते भी हैं, खूब यहाँ रोड पे दिखता है ये। These roofs are that strong, huh? Yes. Single piece of like polymer or something. It's a stretchy polymer. What they use it, one piece roof. It's all waterproof. I can actually get up there and walk around. No. I'm not suggesting it. I'm just.
My wife got up on ours and was up there watching. चलो अब हम अपने व्लॉग को एंड कर देते हैं. गाड़ी में बैठ गए हैं, घर जा रहे हैं. अब ये जो आरवी दिखाया ना, अब ये आरवी ना अमेरिका कितना बड़ा है पता ही होगा. इंडिया से 3 गुना बड़ा अमेरिका है. ठीक है, यहाँ पे जो रिटायर्ड लोग होते हैं ना, ज़्यादा यहाँ पे लोग घूमना बहुत पसंद करते हैं और हम भी यहीं पर आकर घूमने लगे हैं. ठीक है, इंडिया में, इंडिया अभी तक हमने नहीं घूमना है, वो अभी ख्वाहिश बाकी है. आज नहीं तो कल जरूर पूरा होगा. लेकिन घूमा कैसे जाता है, यहाँ पे आकर हमने सीखा है. बोलते हैं ना, एक लत लगना, आदत सी पड़ जाना, नशा सा हो जाना घूमने का, वो अमेरिका में आके हमें हुआ. और रोड ट्रिप हम करते हैं उसका तो एक अलग ही मज़ा है. तो आप सोच, जब हम रोड ट्रिप करते हैं तो आप समझ ही सकते हो कि हम कितने मतलब घुमक्कड़ हो गए हैं यहाँ पे. अब देखो आरवी, ये देखो दिखाया है ना, ये आरवी ए है, शायद क्लास ए है. ठीक है, अब ये देखो, अब इसमें, अब ये जैसे माउंटेन वगैरह एरिया में जाओगे ना तो वहाँ पे इसको ड्राइव करना टफ होगा ना, तो इसमें छोटा गाड़ी अपना लेके पीछे कनेक्ट करके आप लेके जा सकते हो. ये एग्जांपल मैंने दिखा दिया, मेरे सामने ही आरवी जा रहा है और मैंने छत पर भी चढ़ के देख लिया. और यहाँ पे लोग घूमना इतना जो पसंद करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना घर ही नहीं रखते हैं, इतना बड़ा आरवी ख़रीद लेते हैं, आरवी में ही रहते हैं. आरवी का रिजॉर्ट होता है. ठीक है, अगर मैं आपको होल लाइफ आपको आरवी में रहना है तो इसका भी जैसे कम्युनिटी नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स घर का कम्युनिटी होता है, वैसे ही आरवी का भी कम्युनिटी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें हर एक सुविधा अवेलेबल होता है. मतलब ऑब्वियसली मंथली फ़ी आपको पे करना ही पड़ेगा, लेकिन सारी सुविधा जैसे टॉयलेट, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सारी व्यवस्था आपको इस कॉम्प्लेक्स में मिलेगा. और जहाँ पे भी यहाँ घूमने जाओगे यूएसए में, हर जगह आपको ये सुविधा मिलेगी. तो यहाँ पे ज़्यादातर, क्योंकि अब देखो इतना हम लोगों ने घूम लिया ना, तो हमें भी थोड़ा सा शौक हो गया है. लेंगे नहीं लेंगे वो बात की बात है, लेकिन रेंट पे लेने का, चलाने का जरूर शौक हुआ है. तो जो मुझे मर्सिडीज़ वाला दिखा रही थी ना, बस वही लेने का शौक है. रेंट पे अगर मैं लूँगी तो वही लूँगी. और क्या बताना है यहाँ पे, हाँ मतलब यहाँ पे वही है ज़्यादातर. अगर मैं ब्रांड, ये जो हमने आरवी देखा ना, एकदम ब्रांड न्यू आरवी था, ब्रांड न्यू आरवी थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं. घर का प्राइस ले लो या एकदम छोटा साइज़ थोड़ा सस्ते में भी आ जाएंगे, 50,000-45,000. लेकिन थोड़ा सेकंड हैंड लेंगे ना, तो 2-3-4 साल पुराना लेंगे ना, तो थोड़ा सा चीप पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, अफोर्डेबल होगा. और लेने में कोई हर्ज नहीं है, वो नया जैसा ही लगता है. जिसके पास आरवी है यहाँ पे, जैसे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के पास है आरवी, वो खुद ही रेकमेंड करते हैं कि सेकंड हैंड लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उन्होंने सेकंड हैंड में ही लिया था, प्राइस सीधा हाफ हो जाता है. और यहाँ पे ऐसा भी है कि कुछ लोग बून डॉकिंग करते हैं. क्या बोलते हैं, बून डॉक बोलते हैं या बून डॉकिंग बोलते हैं, इसमें दो में से तो एक राइट ही होगा. जिसको अगर मैं करेक्ट पता होगा ना, कमेंट करके बताना क्या बोलते हैं उसको. दूर मतलब जहाँ पे कोई घर वर नहीं रहता है, दूर दूर एकदम वीराने जगह पे, जंगल या आप निकल जाओ. जो बड़े वाले आरवी है ना, इतनी कैपेसिटी होती है उसमें, उतना कैरी कर सकते हो, जैसे वाटर हुआ एंड प्रोपीन वगैरह, जैसे कुकिंग वगैरह का, एंड प्लस गैस जो पेट्रोल भरवाते हैं, वो आपका 2-3-4 दिन तक आराम से चल जाएगा. कुछ भी आपको आजू बाजू में मतलब नहीं रहेगा तो भी चलेगा. वो लोग बड़ा वाला, और अपनी बढ़िया एकदम लाइफ एंजॉय कर सकते हो. आप लोगों ने देखा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना, मतलब घर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर बड़े साइज़ का आरवी ले लोगे. तो जितना मुझे समझ में आया था उतना मैंने आपको समझा दिया. अगर मैं आपको ज़्यादा नॉलेज हो ना किसी को, तो जो नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में हमें समझा देना. ठीक है, और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ. आई होप कि ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा. और जब मैं एडिट करूँगी इस ब्लॉग को ना, मैं ज़्यादा काटूँगी नहीं, भले 1 घंटे का ही ब्लॉग बन जाए, मैं पूरा करके डालूँगी. जितना मुझे ज़रूरी समझाएगा उतना मैं डालूँगी. अगर मैं आप देखने में उतनी देर तक नहीं टाइम दे पाए तो स्किप करके देख सकती हूँ.
देख लेना, पर मैं डालूंगी बराबर से, क्योंकि इतना शूट किया है, इतना समझाने की कोशिश की है, वेस्ट थोड़ी ना करूंगी। पकाऊंगी, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग रहेगा टेस्ला का, भूलना मत देखना। चलो जो मेरे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो अच्छा लगा हो ना तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ऐसे ऐसे वीडियो मैं आपको आपके लिए बहुत डालूंगी। सी वीडियो लेट जाएगा, कम जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग जाएगा, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा राइट कि अच्छा लगा बुरा लगा या और वीडियो ऐसा बनाऊंगी। चलो बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।